नमस्कार मित्रों, मैं मौजूद हूँ रीवा से 60 किलोमीटर दूर रीवा डिस्ट्रिक्ट में मऊगंज। मऊगंज की बात करें तो यहाँ यूपी से जुड़ा हुआ है। मऊगंज इलाहाबाद से भी बहुत पास में है, 100 किलोमीटर की दूरी में। आइए आज हम जानते हैं सावित्री बाई फूले के बयान के बारे में, यहाँ के लोगों की चर्चा सुनते हैं क्या कहते हैं लोग। जो अभी हाल ही में सावित्री बाई फूले ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि बहुजनों को राम मंदिर नहीं चाहिए, बहुजनों को राम मंदिर नहीं चाहिए और राम मंदिर सिर्फ ब्राह्मण होते हैं राम मंदिर में और उनके कमाई का धंधा है। तो हम आज यहाँ पे हिंदुओं से और दलितों से हर किसी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। तो आप लोग सुनिए जनता की राय, जनता क्या कहती है। क्या नाम है भैया, शुभ नाम लिखते हैं, क्या शुभ नाम लिखते हैं? मोहम्मद जलील। मोहम्मद जलील, ठीक। आप मोहम्मद जलील जी हैं, जो विवाद चल रहा है अयोध्या में मंदिर और मस्जिद के बारे में, तो उसमें आपको क्या कहना है कि मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद बनना चाहिए? अब मंदिर बना था तो मंदिर ही चाहिए, मंदिर बना था मंदिर ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे हैं आप कि लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या शुभ नाम लिखते हैं? राम नरेश विश्वकर्मा। विश्वकर्मा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि अयोध्या में क्या राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? अच्छी बात है, और अच्छी बात है, हम सब लोग वहाँ पे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा जी, आगे जी, आएंगे जी, तो जी, जी। और भैया जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है भैया लाल सैन जी। तो आपको क्या लगता है कि सावित्री बाई फूले ने जो बयान दिया कि वहाँ पे मंदिर में मात्र 3% ब्राह्मण पुजारी बनके मंदिरों का पैसा हड़पते हैं और मंदिरों से धंधा चलाते हैं, वहाँ पे राम मंदिर नहीं चाहिए, तो आपको क्या लगता है, सही बात है ये? नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है। सही ये बात है कि धार्मिक स्थल है, बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए, धार्मिक स्थल है, बनना चाहिए। तो भाई जी कह रहे हैं धार्मिक स्थल है, राम मंदिर बनना चाहिए। आइए दादा से भी पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है, क्या शुभ नाम लिखते हैं दादा? श्री मुलई प्रसाद गुप्ता। मुलई प्रसाद गुप्ता, तो आपके हिसाब से क्या है कि अयोध्या में दलित बहुजन जो जिनको बोला जाता है, सावित्री बाई फूले जिनके नेत्री है, तो वो बोलती हैं कि राम मंदिर नहीं चाहिए, तो क्या बहुजन सही कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं चाहिए? हम तो चाहते हैं देखो कि राम मंदिर बने और वहाँ भाई कंट्रोल हो, चाहिए कि जो लुटेरा हो ओका मार भगाओ, दूसरे आदमी के रखो। राम मंदिर बनना चाहिए, हम लोग भगवान के भक्त हैं, हम चाहते हैं कि मंदिर बने, और जो गद्दारी करते हैं लूट पाट है उनको मार के हटाओ, वहाँ से दूसरा रखो। वहाँ पे आपको बताऊँ, एक टीवी चैनल के सर्वे मैं भी देखा था कि मंदिर वहाँ पे राम जानकी जी का है, रामलला जी का है, लेकिन वहाँ मंदिर के दुकान के सामने जो प्रसाद बेचते हैं, जो मूर्तियाँ बेचते हैं, जो लॉकेट बेचते हैं हिंदुओं के, वहाँ पे ज़्यादातर दुकान अल्पसंख्यकों की होती है, फिर भी आज उस पर सियासत हो रही है। पहले राम मंदिर के नाम से वोट मांगा जाता है और बाद में उसी राम मंदिर के लिए ये कह दिया जाता है कि बहुजन नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर यहाँ पे निर्माण हो। तो हम भाई से पूछते हैं क्या शुभ नाम लिखते हैं? शुभम तिवारी। शुभम तिवारी जी, क्या करते हैं आप भाई? स्टडी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अयोध्या में जो एक धार्मिक स्थल है वहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, और ये जो क्यों बनना चाहिए क्योंकि वो अयोध्या है और धार्मिक स्थल है अयोध्या जी, और वहाँ पे श्री राजा रामचंद्र जी जो थे तो वहाँ कई प्रकार के घटना घटी, तो वहाँ तो पहले से ही राम भगवान थे, और आदमी यही चाह रहा है कि अगर अयोध्या भगवान के नाम से है, राम भगवान के नाम से, तो राम मंदिर का निर्माण अवश्य होना चाहिए। और ये अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो हम हिंदू लोग जो भी हैं, जितने भी हिंदुए हैं, तो आने वाले समय में इसका जो है तो बहुत बड़ा विरोध करें। आने वाले समय में चले भैया बोल दिए। क्या शुभ नाम लिखते हैं? क्या शुभ नाम लिखते हैं? छोटे लाल। पूरा नाम बताइए, पूरा। छोटे लाल राम मुदरिया। छोटे लाल आगे क्या लिखते हैं? साकेत। बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि साकेत सरकार है, तो आज सरकार दलित शब्द दे के ऐसा आपस में फूट डाल रही है कि कभी उनको बहुजन बताती है, कभी दलित बताती है, जबकि हमारे भाई हैं, आप खुद देख रहे हैं कि नाम बताने से हिचकिचा रहे हैं। क्यों?
क्यों पहले अपना नाम वो खुद गर्व से लेते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं सरकार की इस रवैये के कारण, ये जातिवादिता के कारण लोग अपना नाम चेंज करते हैं, लोग अपना नाम तक बदलते हैं। तो आप खुद देखा, क्या शुभ नाम लिख रहे हैं आप? छोटेलाल। छोटेलाल है ना। मैं ये चाहता हूँ कि राम मंदिर बनना चाहिए, इसलिए तो पुरखाती है, ठीक है, नियम के विरुद्ध नहीं है, नियम के अंदर है, ठीक है। इसमें हम ये कहना चाहते हैं, हमसे उसे झगड़ा विवाद से नहीं मतलब है, अपने हक से मतलब है, ठीक है। वो बनना चाहिए, कायदे से बनना चाहिए। जो लुटेरे हैं उनको आप भगाइए, जो लूटते हैं तो उनको आप पकड़िए ना। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, आप लुटेरों को पकड़िए ना। इसी भी में चाहेंगे कि एक बार जय श्री राम का नारा लगा दिया जाए, एक बार जय श्री राम का नारा लगा दिया जाए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सहयोग और सर्वे में साथ देने के लिए। आइए भैया जी से भी आगे चलते हैं, लोगों से और राय आपको सुनवाते हैं कि क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग कि जो राम मंदिर नहीं चाहिए 70% बहुजनों को। तो अभी मैं दलित भाई से बात कर रहा था, तो आपने सुना कि वो अपना नाम तक नहीं बताते हैं और नाम तक नहीं बताते हैं और नाम ना बताने का कारण कहीं ना कहीं जिम्मेदार है गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था। हम वरिष्ठ लोगों के पास आए, वरिष्ठ लोगों से भी पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है, ये क्या है वाले है। राम राम दादा, क्या सुना? जी, जो सांसद अभी सावित्री बाई फूले जी ने बरहाई से जो सांसद प्रत्याशी थी, उन्होंने एक बयान दिया कि बहुजनों का कहना है, बहुजन 70% बहुजन ये चाहते हैं कि राम मंदिर ना बने। और राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है वहाँ पे, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो इसमें आपका क्या राय है कि क्या राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? राम मंदिर जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और देश में रहेगी तो कभी नहीं बनेगा, ना बने के कौनो उद्देश्य या नहीं बन बाबे चाहते आई, सिर्फ एक वोट आ लूटा था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये दलित वोट बैंक के लिए ये गेम खेलते हैं। लेकिन अभी हाल ही में सावित्री बाई जी ने, पहले बीजेपी से थी, बीजेपी से वो कांग्रेस में आई, जब वो कांग्रेस में आ जाती हैं तो ये कहती हैं कि वहाँ पे बौद्ध की मूर्ति निकली थी, वहाँ पे राम मंदिर नहीं था, राम मंदिर में मात्र लुटाई होती है, पैसे लूटा जाता है, और ये 3% ब्राह्मण वैश्य और छत्री मिलके हमको चूतिया बनाते हैं, गुलाम बनाए हैं। इस पर क्या कहना है आपका? ये के संबंध में हम वहाँ की बात बहुत जानी जान के का कंसर्न है हमारी बात की यहाँ के हिसाब से। सावित्री बाई जी सांसद हैं, उनका एक सांसद का ये कहना है अपने प्रचार सभा के दौरान। अब आज कह रही हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो आपका क्या राम मंदिर में आस्था है? आप राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर बनने में कोई किसी का दुख नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक तौर पर बंबई नहीं दे चाल लगा ही ना, बंबई नहीं दे, बिल्कुल सही, वोट को उछाला कर रहा था राम मंदिर, बाकी राम मंदिर के निर्माण कहाँ चला था है? कांग्रेस की सरकार बनी तो ऑलरेडी मंदिर जो है तो कंप्लीट बन जाए। चलिए, ताऊ जी का कहना है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राम मंदिर, लेकिन अभी सावित्री बाई फूले बीजेपी से कांग्रेस में आई, और जैसे ही कांग्रेस में आती है तो उन्होंने सीधे ये बोलती हैं कि राम मंदिर 70% बहुजनों को नहीं मंजूर है कि यहाँ पे बने। तो क्या बहुजन अब हिंदू नहीं है? अगर हिंदू नहीं है तो राम मंदिर हिंदू बनवाएंगे, बहुजन अपना मंदिर बनवाएं जो उनका मंदिर है। और मिल लेते हैं भैया जी लोगों से, दादा से पूछ लेते हैं, क्या सुनना मिलते हैं? नहीं नहीं, हम अब एक विषय में कुछ न बोल, हम कह रहे हैं कहीं बोल जी, हमारा गुलाम मोहम्मद है। बिल्कुल, आपके साथ भी राजनीति होती है, आप भी जानते हैं, हमारे साथ भी राजनीति होती है, हम भी जानते हैं कि मंदिर और बिल्कुल बिल्कुल आज मंदिर और मस्जिद तो धर्म की चीज है बाने। हाँ, बिल्कुल है? यही चीज है भाई, धर्म की चीज में कहना अवहेलन ना करना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। बिल्कुल,
बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख देश आप लोग सुन रहे हैं कि भाई जान चाचा जान भी हैं जो कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल है वहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा मात्र आप देखते होंगे चुनाव के टाइम में ये मुद्दा उठाया जाता है, चुनाव के बाद किसी को कोई मतलब नहीं रहता ना राम मंदिर से ना कोई व्यवस्था से, मात्र कभी वो लड़वाते हैं हिंदू मुस्लिम को और हिंदू दलितों को आपस में लड़वा के अपनी रोटी सेकते हैं। और आइए चलिए फूट डालो शासन करें, ये अंग्रेज दे गए हैं अपने भारत में। क्या शुभ नाम लिखते हैं? कृष्ण कुमार पांडे। आपका क्या ख्याल है कि राम मंदिर वहाँ पे बनना चाहिए? नहीं, राम जन्मभूमि है, राम मंदिर बनना चाहिए, पर जब बनाएगी सरकार आदेश देगी तब ना बनेगा। हम थोड़ी बनवा सकते हैं, आप थोड़ी बनवा सकते हैं। अगर गौर सहयोग सहयोग क्या करें, बोल तो सकते हैं कि हम बोल रहे हैं, हमारा सुनने वाला कौन है? उनको खाली वोट चाहिए, वो तो सही, कुर्सी चाहिए बस, वोट डालो शासन करो बस। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भाइयों हम आपको ये मऊगंज का सर्वे दिखाया, मऊगंज की जनता से रूबरू करवाया मिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम मृत्युंजय मिश्रा कैंपस अड्डा से। नमस्कार।